मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं सीखते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बिजनेस कार्ड को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने फाइल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपने न्यू वाले ऑप्शन पे चले जाना है। न्यू वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपके पास, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, जो साइज़ करना है 3.5 इंच रखना है। यहाँ पे इंचीस में लिया गया है मैंने, आप देख सकते हैं। और जिसकी हाइट है जो दोस्तों वो आपको 2 इंच रखनी है। उसके बाद यहाँ पे CMYK 300 DPI करके दोस्तों आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये साइज़ आ चुका है हमारे बिजनेस कार्ड का। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे वर्क करना है। कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है रेक्टेंगल पे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रेक्टेंगल लग जाएगा। उसके बाद रेक्टेंगल लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्टोर टूल का यूज़ करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एक कॉन्टोर टूल मिल जाएगा ड्रॉप शेडो के नीचे। यहाँ पे कॉन्टोर टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना है। ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट होगा तो आपका ये कॉन्टोर काम करेगा। मैं आपको दोस्तों यहाँ से आपने दोस्तों, आप जैसे आपका कॉन्टोर टूल आ जाता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितने रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप, यहाँ से आप इसकी जो डिस्टेंस है कॉन्टोर टूल के साथ छोड़ सकते हैं 0.0.100 से आपको ज़्यादा रखना है। जैसे मैंने 0.11 रख दिया है और यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया हुआ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ये सब करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू पे जाना है, रूरल बार पे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद आपने दोस्तों ये गाइडलाइंस लगानी है इस वाले पे। यहाँ पे मैं गाइडलाइंस लगा रहा हूँ, सिंपल है दोस्तों। और यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके इस पर गाइडलाइंस लगा देनी है। गाइडलाइंस लगाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे पिक टूल पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ब्रेक कॉन्टूर ग्रुप अपार्ट कर देना है। कंट्रोल के भी कर सकते हैं दोस्तों आप। उसके बाद दोस्तों सिंपल है, ये देखिए अंदर वाला सेलेक्ट हो चुका है। अंदर वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर चले जाना है, दे लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ड्रॉ करना है और यहाँ बाहर तक इसको ड्रॉ कर दें। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जेड बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके पास जूम वाला ऑप्शन आ जाता है। ये यहाँ से जूम कर लेते हैं, आप देख सकते हैं एक लाइन आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे शेप टूल लेना है। शेप टूल लेने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फिर उसके ऊपर टू कर्व का ऑप्शन मिल जाएगा। दो, जब आप टू कर्व कर देंगे दो हैंडल मिलेंगे। एक हैंडल को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देना और दूसरे हैंडल को आपने नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देना, तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपने पिक टूल पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसी लाइन पे सेलेक्ट कर लेना है। इस लाइन पे सेलेक्ट होगा, अगर कंट्रोल डी करने से ये लाइन डबल हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पर इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद शेप टूल पर क्लिक कर लेना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हैंडल मिलेंगे, इसको आप अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दो हैंडल मिल चुके हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिल पे चले जाना दोस्तों। आपको स्मार्ट फिल पे जाने के बाद यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप कलर इसमें फिल करना चाहते हैं। जैसे मैं रेड करना चाहता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैंने रेड कर दिया और यहाँ पे भी मैंने रेड कर दिया, और जो सेंटर में दोस्तों मैंने यहाँ पे येलो फिल कर दिया। उसके बाद सिंपल दोस्तों आपने इस लाइन पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, वरना आप कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाए। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको जहाँ पर जूम कर लेना है, यहाँ पर आप जेड बटन को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, पिक टूल से यहाँ पे इस वाली लाइन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं ये लाइन मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। अदरवाइज़ आप जेड बटन को प्रेस करके रखें और लाइन पे क्लिक करें तो ये जूम होती जाएगी, अच्छे से जूम हो जाएगी। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे इस लाइन को आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं शेप टूल।
और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल बटन को प्रेस करते हैं तभी आपका जूम इन और जूम आउट हो जाता है। और यहाँ पे एच बटन को अगर हम प्रेस करके रखते हैं तो इसको हम सेंटर में ले आ सकते हैं, हैंड आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको आर्टिस्टिक मीडिया पर जाना है। आर्टिस्टिक मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से एक आर्टिस्टिक मीडिया से ये कर लिया अप्लाई, कोई भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करना है। होम बटन को प्रेस करने से ये ऊपर आ जाएगा अगर ये आपकी लाइन सेलेक्ट होगी तो। उसके बाद सिंपल है दोस्तों, अगर साइज़ बढ़ा रहा है तो यहाँ से कम कर लीजिए, अगर कम किया हुआ है तो ज़्यादा कर लीजिए, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। उसके बाद सिंपल आपको सिंपल है दोस्तों यहाँ से क्रॉस टूल यूज़ करना है, तो बाहर से इसको सिलेक्ट कर लेना है। बाहर से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने सिंपल इंटर कर इंटर करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आर्टिस्टिक मीडिया पे आपने अप्लाई करना है, आर्टिस्टिक मीडिया पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे ये सिलेक्ट रहेगा आप यहाँ पे कंट्रोल के कर दीजिए, कंट्रोल के करने से ग्रुप अपार्ट हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, मेन जो कलर है वो हमारे चेंज हो सकते हैं। और यहाँ से आप दोस्तों फाउंटेन फिल ले सकते हैं, फाउंटेन फिल लेने के बाद आप यहाँ से कोई भी अलग अलग यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर ले लीजिए, अलग अलग आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, ब्लैक करना है ब्लैक कर लीजिए। उसके बाद आपने सिंपल है दोस्तों, उसके बाद आपने सिंपल ओके कर देना। ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है कुछ ऐसा। उसके बाद दोस्तों ये सारा डिज़ाइन करने के बाद आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप रेक्टेंगल ले लीजिए। रेक्टेंगल लेने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ड्रा कर देना है, और यहाँ पे ड्रा करने के बाद मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, कलर भर दिया। कलर भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे शेप टूल लिया, शेप टूल लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व किया। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक कुछ ऐसा शेप ले चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा करने के बाद कंप्लीट हो चुका है हमारा। उसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे डबल क्लिक करके सिंपल लिख देना है, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, जो भी आपकी कंपनी जो भी फर्म का नाम है जो आपने यहाँ पर लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ साइन कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ पे ट्रिपल क्लिक किया मैंने कंटिन्यू तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाता है, अदरवाइज़ आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं और इसको फिट कर लेना यहाँ से साइड से पकड़ के, अदरवाइज़ आप यहाँ से साइज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर लीजिए, और दोस्तों कलर यहाँ पे आपने यहाँ पे आप फाइल पे जाके दोस्तों इम्पोर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल आई भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ये पर लोगो ले लिया और इंपोर्ट कर दिया तो ऐसा साइन आ जाएगा आपके पास। दोस्तों आपको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रा कर लेना है तो ये ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिप आर्ट यूज़ करनी है, जैसे आपने यहाँ से ले लिया लिप्स, उसके बाद आपने दोस्तों कंट्रोल को दबा के रखना है और यहाँ पर ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पावर क्लिप इन साइड का ऑप्शन मिलेगा तो उसके अंदर आपने यहाँ पे स्ट्रेच कर देना है, ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर फिट नहीं आ रहा दोस्तों आप यहाँ से इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों क्लिक कर देंगे तो हमारा ये ऐसा इंसर्ट होगा। यहाँ पर हम बाद में जो भी कलर की लाइन चाहते हैं क्लिक करके कर सकते हैं, ये हमारा लोगो इंसर्ट हो चुका है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।